तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच लगातार बारिश हो रही है और बारिश का खामियाजा किस तरीके से किसानों पर बरपा है, किस तरीके से बारिश का कहर किसानों पर बरपा है, उसकी दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पे तंबू लगा हुआ था, ये अपने आप गिर गया। ये रात में बारिश इतनी तेज हुई कि ये इसमें सब सो रहे थे किसान, और ये गिर गया, जिसके चलते लोगों को देखिए भारी दिक्कत है। ये यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं और ये भी अंदर इस तंबू में थे। आप अंदर थे जिस समय ये गिरा? हाँ, गिरा जब अंदर सो रहे थे हम। सो रहे थे? हाँ। किस समय गिरा ये? ये गिरा रात को 11:30 बजे। तो बारिश हो रही थी क्या? बारिश होने के कारण ये गिर गया। तो कुछ सामान तो हमने दूसरे टेंट में लगा दिया है, जो हमारी किसान झुग्गी झोपड़ी है यहाँ पे, 1 साल से हम जड़ डाल रहे हैं। आज 1 साल 5 दिन हो गए, क्यों 2019 से 20 को। आप ये बताओ, किसी को चोट भी लगी है क्या? चोट किसी को नहीं लगी, ऊपर वाले की दया है हमारे पास। हम खेतों में भी काम करते हैं, ऐसे ही यहाँ बैठे हैं। हमको न को सर्दी की परवाह है, न को गर्मी की परवाह है। किसी को चोट नहीं लगी? चोट किसी को नहीं लगी। रात को मैं अंदर यहाँ सोया हूँ, फिर ये झोपड़ी गिर गई, रात मैंने यहाँ बिताई है। अब धूप निकली है तो मैं अपना बिस्तर बाहर लगा के सो रहा था। इसको दोबारा बनाएंगे आप? हाँ, अब इसका इंजीनियर गांव से आ रहा है, सामान लेकर आ रहे हैं, दोबारा फिर हमारी कॉलोनी तैयार करेंगे झुग्गी। अच्छा। हाँ, ये जाट कॉलोनी, ये किसान कॉलोनी टिकरी बॉर्डर, इसका हमने नाम रख दिया है। अच्छा, टिकरी बॉर्डर किसान कॉलोनी, इसका नाम रख दिया है इन्होंने। और ये देखिए, ये यहाँ पे लगातार जो है इस तरीके से प्लाई के जरिए, इस बेंच के जरिए यहाँ पे बनाया गया था। इसके अंदर किसान अपनी रात बिता रहे थे टिकरी बॉर्डर पर। पिछले 41 दिन से किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन रात जब बहुत भारी बारिश हुई तो इस बारिश के चलते ये जो टेंट है, ये जो तंबू है, ये ढह गया। अंदर लोग रात में सो भी रहे थे। हालांकि अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जाहिर तौर पर बारिश का कहर इन किसानों पर टूटा है। ये तंबू गिर गया, अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन दिक्कतें ज़रूर है। बारिश हो रही है, ठंड भी है, इसके चलते किसानों को दिक्कत हो रही है। तो जाहिर तौर पर इसको सरकार को भी देखना होगा कि किस तरीके से बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, जिनको भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन साहिल के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 टिकरी बॉर्डर।